हेलो फ्रेंड, आप देख रहा है गुड रॉक लर्निंग। आज मैं दिखाऊंगा टीवी का एक फॉल्ट रिपेयर, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है सैमसंग का नया मॉडल 21 इंची फ्लैट टीवी, आप देख सकते हैं। तो इसका है प्रॉब्लम, सबसे पहले इसको ऑन करके देख लेती है इसका प्रॉब्लम क्या है। इसे अब मैं ऑन करूँगा, देख सकते हैं दोस्तों, यह है इसका प्रॉब्लम। छवि छोटा हो गया, यह वर्टिकली प्रॉब्लम। तो इसका ठीक करने के लिए इसे वर्टिकली सेक्शन को चेक करना होगा। तो पहले देखना होगा वर्टिकली सेक्शन कहाँ है इस सर्किट में। दोस्तों, ये है वर्टिकली आईसी, ये है वर्टिकली सेक्शन का काम करता है, पूरा कंट्रोल करता है वर्टिकली सेक्शन। यही आईसी वर्टिकली, सर्किट को मैं उल्टा करता हूँ। यह है वर्टिकल आईसी का पिन है और वर्टिकल आईसी को सप्लाई मिलता है ईस्ट पिन से। आप देख सकते हैं दोस्तों, ईस्ट पिन से यहाँ से ऐसे वर्टिकल आईसी को सप्लाई दिया है और ईस्ट को सप्लाई मिलता है एसएमपी पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर से। आप देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 110 वोल्ट सप्लाई मिलने से एचडी ऑन होता है। दोस्तों, एक बात याद रखें, ये सेट ऑन नहीं करेगा तो वर्टिकल आईसी को सप्लाई नहीं मिलेगा यहाँ पर, और एन ऑन करेगा तो यहाँ पर सप्लाई आएगा एचडी पिन से। देख सकते हैं दोस्तों, सेट को ऑन किया मैंने अभी, इसलिए यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज दिखा रहा है वर्टिकली। यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज ओके 27 वोल्ट। तो इससे समझना होगा यहाँ पर सप्लाई तो ठीक है लेकिन आईसी खराब हो सकता है, तो मैं पहले आईसी को चेंज करके देखूँगा। वर्टिकल सेक्शन, यहाँ पर कोई भी पार्ट्स खराब होने से, कंडेंसर डायोड खराब होने से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले आईसी को मैं चेंज करके देखूँगा। यह है वर्टिकल सिस्टम का काम करता है, इस आईसी का नंबर है 78040। अब मैं इसे चेंज करूँगा। यह है नया आईसी।
दोस्तों अब मैं इसे चेक करके देखूंगा इसका क्या कंडीशन है। अब मैं टीवी को ऑन करूंगा। लगता है ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। देख सकते हैं दोस्तों ये आईसी का प्रॉब्लम था, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।